स्वैड वैसे रूम जब से बहुत ही अच्छा होगा। तो भाई अभी मैं आपको 6th एनिवर्सरी का जो इवेंट है वो आ चुका है वो पता ही होगा, एंड इसको आपको कैसे कंप्लीट करना है मैं आपको सारा कुछ यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 0% सर्वर प्रोग्रेस यहाँ पर लिखा है, मतलब यहाँ पर जो ये वाला सेक्शन है ना ये आपको यहाँ पर दो तरीके से कंप्लीट करना है। एक तो ये भाई सभी मिलकर कंप्लीट करेगा, मतलब जितने सारे बंदे खेल रहे हैं ना इंडिया सर्वर में सभी मिलकर कंप्लीट करेगा, और एक जो है यहाँ पर देख सकते हो 5 chip equals to 1 reward ये आपको इंडिविजुअल मतलब तो सभी को मिलेगा, ठीक है। आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा खुद के लिए, एंड जो 0% यहाँ पर सर्वर प्रोग्रेस लिखा है इसको 100% करना पड़ेगा सभी मिलके, ठीक है। बस अकेले का काम यहाँ पर नहीं है, अगर आप ना भी करोगे तो दूसरे बंदे यहाँ पर इसको कंप्लीट कर देगा। तो भाई चिप्स कैसे मिलेगा, जैसे ही आप मैप पे जाओगे तो बहुत सारे जगह पर आपको आइकन बना हुआ दिखेगा मैप पे ही, तो जैसे ही वहाँ पर आप जाओगे एंड इसको आप यूज़ करोगे तो आपको कुछ रिवॉर्ड्स देखने को मिलेगा, एंड इसके अंदर आपको दो दो करके चिप्स भी मिलेगा, ठीक है। एक कलर चिप्स है एंड यहाँ पर एक क्यूब भी मिलेगा जो मैप पे आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर क्लॉक टावर जो है वहाँ पर आपको एक देखने को मिलेगा, एंड जहाँ तक मुझे पता है भाई यहाँ पर जो रिमनम विलेज है ना वहाँ पर भी आपको एक देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर भी आपको दो दो करके मिलेगा। एंड यहाँ पर ये जो मतलब जो मैप पे शो करेगा ना वहाँ पर भाई एक ही बंदे को मिलेगा वो, ठीक है। एंड जो क्यूब है ना मतलब जो स्क्वायर सा है वहाँ पर सभी को मिलेगा, ठीक है, वो सभी यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो भी यहाँ पर आएगा वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मैप पे शो कर रहे हैं वो आप एक ही बार यूज़ कर सकते, मतलब एक ही बंदा उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे यूज़ करेगा तो वो ब्लू कलर का ऐसा हो जाएगा, ठीक है, मतलब वहाँ पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे आप कलेक्ट कर सकते दो दो करके, यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास अभी 6 कलर चिप्स है। तो अभी भाई ये जो इवेंट है ना वो आ तो गया है लेकिन यहाँ पर ठीक से स्टार्ट नहीं हुआ, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर मुझे यहाँ पर टोटल 8 टोकन्स मिला है, ठीक है, मतलब मैच खत्म होने के बाद भी आपको दो दो टोकन मिलेगा। सीएस खेलोगे ना तो वहाँ पर भी आपको दो दो टोकन मिलेगा, लेकिन बीआर खेलोगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगा देखने को, ठीक है, क्योंकि सीएस में यहाँ पर तो आपको कहीं पर वो मैप पे पड़ा हुआ नहीं मिलेगा, तो ऐसे ही सीएस में गेम खत्म होने के बाद जो है आपको दो दो करके मिलेगा, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी ये ठीक से स्टार्ट नहीं हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास अभी 8 टोकन्स है मतलब 8 चिप्स है, लेकिन यहाँ पर 0-0 ही दिखा रहा है, लेकिन ये कुछ ही घंटों में ठीक हो जाएगा, एंड यहाँ पर 0 की जगह जितना आपने कलेक्ट किया वो शो करने लगेगा। एंड इस इंसर्ट पे ना आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो कंट्रीब्यूशन है मतलब जो आपने कलेक्ट किया है टोकन्स तो वो सर्वर प्रोग्रेस में चला जाएगा, एंड ऐसे 1% करके 2% करके 100% जैसे ही जाएगा तो यहाँ पर जो 6th एनिवर्सरी का जो मिशन है वो कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा, एंड नेक्स्ट यहाँ पर बहुत सारा कुछ आने वाला है इसके अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पर जैसे आप मतलब मेरे पास अभी 8 है ना टोकन्स, तो यहाँ पर मेरे पास एक जो ऊपर देख रहे हो 5 equals to 1 reward वो मैं अभी खोल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि 8 ठीक से स्टार्ट नहीं हुआ है तो अभी मैं इसको खोल नहीं पा रहा, तो जैसे ही मैं इसको खोलूंगा तो उसके अंदर रैंडमली कुछ निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर मेन जो बंडील है देख सकते हो फीमेल बंडील है, लेकिन यहाँ पर आपको बताइए कि यहाँ पर दूसरे जो चीज़ें हैं जैसे कि पेट फूड वगैरह वही मिलता है ज़्यादातर, तो वो ज़्यादातर मिलेगा, लेकिन ये इवेंट ख़त्म होते होते आपको जो है फीमेल बंडील मिल जाएगा, ठीक है। सो आई होप यहाँ पर सबको समझ आ गया होगा कि कैसे आप चीज़ वगैरह कलेक्ट कर सकते हो एंड इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो कुछ क्वेश्चन में है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए गाइस बाय बाय टाटा।